मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार शाम को बालेश्वर जिला अंतर्गत बहानगा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक उड़ीसा में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। इस हादसे में 261 लोगों की मौत हो गई है। बेंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई। खड़गपुर DRM ने इसकी पुष्टि की है। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रेनें के 12 डब्बे जो है वो पटरी से नीचे आ गए थे। एक मालगाड़ी भी हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 261 लोगों की मौत हुई है, जबकि बताया जा रहा है 1000 लोग घायल है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनिल वैष्णवी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शनिवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे NDRF SDRF की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही बहाली का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले से ही बहाली के लिए मशीनें भी तैनात की गई हैं। वहीं इस भयानक हादसे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। बताया जा रहा है कि भयानक इस हादसे में अब तक 261 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जबकि 1000 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। मेरा नाम वंदना कटेड़ा है। हम लोग कोरामंडल से आ रहे थे और कोरामंडल अचानक से मैं वॉशरूम से जैसे ही अंदर आई तो देखी कि ट्रेन अचानक से पूरी टेढ़ी हो गई और मैं उसको पकड़ के मतलब मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं मतलब गिरने जैसे हो गई क्योंकि मेरी बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई। चप्पल कहीं, बैग कहीं, सब सामान इधर उधर हो गए, सब लोग इधर उधर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, मतलब माइंड ही काम नहीं किया, हुआ क्या, और पूरा बॉडी से टेढ़ा हो गया था। अब हम लोग वहां से रोड तक आए हैं पार करके और बाई रोड अब हम लोग कटक जा रहे हैं। मां नानी का घर है, वहां जा रहे हैं। मैं वंदना खटेड़ हूँ।